29 जून 2024 शनिवार के दिन होंगे शनि देव की चाल परिवर्तन। जी हाँ, शनि वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून को शनि अपनी चाल परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में शनि अभी कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में ही अब उल्टी चाल चलने जा रहे हैं, जिससे कई राशियों को फायदा तो कई राशियों को नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वही कुछ ऐसी राशियां भी है जो शनि के इस वक्री के बाद अचानक से भाग्यशाली होने जा रही है। धन के द्वार खुलने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद बनने जा रहा है। मालामाल करोड़पति धन योग बनने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी है वो पांच ऐसी भाग्यशाली राशियां जो शनि के वक्री होने के बाद से ही अपनी किस्मत चमकाने जा रही है, मालामाल होने जा रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि शनि ढाई वर्षों में एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और इस साल पूरे साल इसी राशि में रहेंगे, यानी शनि का जो गोचर इस साल नहीं होगा, लेकिन शनि वक्री और मार्गी होते रहेंगे। सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता शनि महाराज 29 जून 2024 को रात 11:40 पर कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनि की चाल भाग्य या स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं शनि के वक्री होने से कौन कौन सी है पांच भाग्यशाली राशियां जो अपना किस्मत चमकाने जा रही है, लाभकारी और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में शनि के दायित्व कारक ग्रह माना गया है। वह एक शिक्षक है और लोगों को व्यवस्थित तरीके से रहना सिखाते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। शनि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की भी अनुमति देता है। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो आपके कार्य सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम लाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग करोगे तो उसका आपको नेगेटिव और गलत नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना अन्य सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालता है, कौन सी है वो पांच ऐसी भाग्यशाली राशियां जो शनि के वक्री होने के बाद अचानक से मालामाल होने जा रही है, धनवान होने जा रही है, करोड़पति योग बनने जा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रही है। तो मित्रों, एक एक करके जानेंगे ऐसी कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जो शनि के वक्री के बाद से ही अपनी किस्मत चमकाएगी। तो सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि बनकर आएगी शनि के वक्री होने के तुरंत बाद अचानक से मालामाल होने जा रही है, तो आपको बता दें सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मित्रों तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ते ता ती तू रे रा री रु से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए शनि देव चौथे और पांचवे भाव के स्वामी है। फिलहाल ये आपके पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल में आपके किए गए कार्य पर सवाल उठ सकता है। आपके आर्थिक जीवन में धन का उतार चढ़ाव की समस्या देखने को मिल रही थी, वो शनि के वक्री होने के बाद से सुधार आएगा। कहीं ना कहीं आपका जो बजट बिगड़ रहा था, बजट का प्लान नहीं कर पा रहे थे, वो अब सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जो भी अभी भावनात्मक समस्याएं जो चल रही थी वो खत्म होने वाली है, और जीवन साथी के साथ भी जो मन मुटाव चल रहा था उसमें भी आपको एक दूसरे को साथ फिर से प्रेम और विश्वास देखने को मिलेगा। शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होना आपके अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन वगैरह की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन वो भी आपका जल्द से छुटकारा मिल जाएगा। खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपको शनि के वक्री होने के बाद से ही लाभ देखने को मिलेगा। व्यापार में थोड़ी आपको मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। अटका हुआ रुका हुआ धन आपका निकलेगा। चलिए बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी शनि के वक्री होने के बाद से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन जो है पूरा उनका संघर्ष और कठिनाइयों और गरीबी में ही बीत जाता है। मित्रों, ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली। जी हाँ मित्रों, हमारे गुरु जी आपके लिए घर बैठे आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली लेकर आए, जिसको अभी आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में अपने जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली जान सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कुंडली देखना फ्री नहीं है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देती है। वो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए जमा कराकर गुरुजी से और अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका विवाह में देरी हो रही है, बाधा
बन रही है। विवाह वाले देखने तो आते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं, वापस कोई रिप्लाई नहीं आता है। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार एक दो नंबर से रह जाते हैं। व्यापार में आपको मुनाफा लाभ नहीं हो पा रहा है। ग्राहकों की जो भीड़ पड़ती थी वो अब आपको देखने को नहीं मिल रही है। पेट भर रहा है लेकिन गल्ला नहीं भर पा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है। प्राइवेट नौकरी करते हैं, इंटरव्यू देके आते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन कंपनियों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। या नया व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सा व्यापार चालू करें इसका आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है। कौन सा आपके लिए तरक्की और उन्नति भरा रहेगा। बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, ग्रह क्लेश बना हुआ है, पति पत्नी में अनबन चल रही है या कोई तीसरा बीच में आ गया है, लव कपल का दिक्कत चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप गुरुजी को व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं मात्र 251 रुपए की फीस में। चलिए मित्रों, शनि के वक्री होने के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मित्रों मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर जे जा जी जू दे दा से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मित्रों मकर राशि वालों के लिए शनि देव ने केवल स्वामी है बल्कि अपने लग्न प्रथम और द्वितीय भाव के भी स्वामी है। ये समय आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे तो ऐसे में शनि वक्री के दौरान आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। इसके अलावा आप अपनी आर्थिक स्थिति पर भी काम कर रहे हैं। आपको अपने शब्दों के चयन में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब बोलने का जो तजुर्बा है, किसी के साथ बात करें तो थोड़ा आप सावधानी से करिएगा, कहीं आपके मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए क्योंकि शनि का प्रभाव आपकी कुंडली पर चल रहा है। और करियर की बात करें तो इस दौरान आपको अचानक नौकरी में बदलाव की संभावना भी है, एग्रीमेंट वगैरह भी आपका बन सकता है। आर्थिक रूप से आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा जिससे आपको संतुष्टि नजर आए। आर्थिक जीवन में मकर राशि के लोग को धन की बचत बनेगी जिससे आप बेफिक्र रहेंगे, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। इस दौरान आपका अधिकांश समय यात्रा में भी व्यतीत होगा, इसलिए मकर राशि के जातकों को अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। जब शनि कुंभ राशि में वक्री होगा तो आपको करियर में मामूली लाभ मिल सकता है, नया व्यापार आपके लिए चल सकता है लेकिन आप बहुत ही संतुष्ट दिखाई देंगे। आर्थिक तौर पर घरेलू कामकाज के कारण आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, मांगलिक कार्य का योग बन सकता है। आपका संतान पक्ष की तरफ से आपको मजबूत और अच्छी खबर देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। चलिए मित्रों बात करते हैं शनि के वक्री होने के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि बनकर आएगी वो आती है मित्रों वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ने ना नी नू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि तीसरे और चौथे घर के स्वामी है। अब ये आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। शनि के वक्री होने पर अपने परिवार पर ध्यान दें, इन लोगों को अपने जीवन में गिरावट महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका आराम भी सीमित हो सकता है। जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा नौकरी के बेहतर अवसर आपसे दूर हो सकते हैं और साथ ही आपका काम का बोझ भी बढ़ सकता है जिससे आपको नुकसान होने की संभावना है। आर्थिक जीवन में यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अनावश्यक खर्चे वाली यात्रा भी हो सकती है। आपकी करियर की बात आती है तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने और नौकरी में संतुष्टि पाने के लिए करियर बदलने का फैसला कर सकते हैं लेकिन इस समय करियर में बदलाव से बचना बेहतर है क्योंकि यह फलदायी नहीं है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इन लोगों को अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपका लाभ देखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, शनि के वक्री होने के बाद से अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर मैं मा मी मू टे टा टी टू से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज छठे और सातवें भाव के स्वामी है और इस समय आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। सप्तम भाव में वक्री से पेशेवर माहौल में आपको काम के सिलसिले में अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है जो आपको पसंद नहीं आएगी। सिंह राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आपकी मेहनत और लगन के चलते आपको सफलता मिलेगी। और आपको सावधान रहने की जरूरत भी है, आपके निजी जीवन पर नजर डाले तो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में अहम आएगा और उसके चलते दोनों के बीच अनबन रहेगी, थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है लेकिन शनि वक्री के बाद से ही कुछ समय के बाद से ही दोनों में फिर से एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ेगी और विश्वास और प्रेम झलकेगा और दोनों एक साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, लंबी यात्राओं के योग बनते रहेंगे, कहीं ना कहीं नए लोगों से मुलाकात होगी जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ देखने को मिल सकता है। तो मित्रों शनि के वक्री के बाद से जो भाग्यशाली राशियों का अपडेट है उसमें फिलहाल इतना
करना ही। अपनी नाम अपना राशि का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए और ताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।